हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मधु किचन में बनाने जा रही हूँ लौकी का रायता। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, जब आप समझ पाएंगे हम लौकी का रायता टेस्टी कैसे बना पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लौकी ली है, इसे हम धोकर छील लेंगे। ये हमारी लौकी छिल चुकी है, अब हम इसे एक बार वॉश करके कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी लौकी अच्छे से कद्दूकस हो रही है, हमें इसी तरीके से कद्दूकस कर लेनी है। अब हमारी लौकी सारी कद्दूकस हो चुकी है, हम इसे एक बार पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे छन्नी की सहायता से सारा पानी निकाल देंगे। ये देखो हमारा सारा पानी इस तरह निकालना है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में लौकी को डाल देंगे और इसमें करीब 2 गिलास पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख देंगे। बॉईल हमें इसे धीमी आंच पर करनी है। अब हमारी लौकी बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे छान के इसका गर्म पानी अलग कर देंगे और बाकी बचा पानी भी हम लौकी का चम्मच की हेल्प से ऐसे दबा दबा कर सारा निकाल देंगे। अब हमारा अच्छे से सारा पानी निकल चुका है, हम इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने हमारी लौकी ठंडी हो रही है, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हमें 1/4 चम्मच अजवाइन लेनी है, 1/2 चम्मच जीरा लेना है और 5 से 6 काली मिर्च और 1/4 चम्मच हमें हींग लेना है। अब हम इन सब मसालों को धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है हमारा मसाला ये जल ना जाए। अभी हमारा मसाला भुन चुका है, हम इसे बारीक पीस लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पीस चुका है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये तो हमारा रोस्ट किया मसाला है, अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच पुदीना पाउडर, 1/4 चम्मच चना मसाला, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में हम लेंगे स्वाद अनुसार सादा नमक। अब हमारी लौकी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम घर की जमी हुई दही। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हमें रायते में डाल देने हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा रायता कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़े चम्मच में हम 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से तेज गरम हो जाए तो हमें गैस बंद कर देनी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच से कम जीरा डालेंगे, 3 से 4 कड़ी पत्ता डालेंगे और 1 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छे से हम दबा दबा के
भून लेंगे। अब ये तड़का हमारा अच्छे से भून चुका है, हम इसे रायते पर मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको लौकी के रायते की रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करें। धन्यवाद।